अस्सलाम वेलकम टू माय चैनल देसी पर देसी रेसिपी। आज हम चिकन फ्राई राइस बना रहे हैं। चिकन फ्राई राइस बनाने के लिए हमें 1.5 किलो चावल चाहिए। 1.5 किलो चावल है, 2 किलो चिकन है, 2 अदद प्याज है कटे हुए, ये कुकिंग ऑयल है, 1.5 कप हम कुकिंग ऑयल डालेंगे, 1 चम्मच सुरख मिर्च है, 1 चम्मच जीरा है, 2 चम्मच नमक है, 1 चम्मच गर्म मसाला, ये सब्ज़ मिर्चें हैं कटी हुई 7-8, ये अदरक थोम का पेस्ट है, ये टमाटर है। आए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। इसमें हम नमक डालेंगे। इसमें हम अदरक थोम का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। इसको हम मिक्स करेंगे। इसको 20 मिनट तक रखेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। इसको हमने मिक्स कर दिया, मसाला लगा दिया, इसको 20 मिनट के लिए रखते हैं। उतनी देर हम प्याज फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह, अभी हम इसमें प्याज डालेंगे। इसमें अभी हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाह, 1.5 कप कुकिंग ऑयल है, इसको फ्राई करेंगे। करते हैं इसमें चिकन फ्राई करेंगे, इसमें कुकिंग ऑयल डालते हैं। बिस्मिल्लाह, इसको गर्म होने देते हैं और उधर प्याज फ्राई करते हैं। हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, अभी हम उधर देखते हैं चिकन फ्राई करते हैं। इसको ऑयल गर्म हो गया, अभी हम इसमें डालते हैं। ये हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, प्याज भी हम लाइट गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं। हमारा प्याज फ्राई हो गया, अभी हम इसमें अदरक थोम डालेंगे। अदरक थोम भी फ्राई हो गया, अभी हम इसमें टमाटर डालते हैं। बिस्मिल्लाह, अभी इसमें नमक डालेंगे।
टमाटरों का पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे और ग्रेवी बनाएंगे इनकी, ये मिक्स हो जाए सही मसाला। अभी हम अपना चिकन देखते हैं, फ्राई के लिए रखा हुआ है। हमारा चिकन भी फ्राई हो गया। चिकन हमारा फ्राई हो गया, अभी हम इसको निकालेंगे। ये हमने सारा चिकन फ्राई कर लिया, अभी हम चावल बनाते हैं। अभी हम इसमें जीरा डालेंगे। पानी खुश्क हो गया, अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनेंगे। अभी इसमें ये सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे। हम इसमें सुरख मिर्च डालेंगे। इसमें पानी डालेंगे। इसको सही भूनेंगे। मसाले तो हमने भून लिए, अभी हम इसमें चिकन डालेंगे। इसमें अभी हम इसमें पानी डालेंगे, 1.5 लीटर पानी, 1.5 किलो चावल से हम 3 किलो पानी डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। हमने 3 किलो पानी डाला, 3 लीटर पानी डाला इसमें, 1.5 किलो चावल है। अभी हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, इसमें गरम मसाला मिक्स डालेंगे। इसको भी हम उबलने देंगे, ढकना रखेंगे, ऊपर पानी उबले फिर इसमें चावल डालेंगे। अंदर
अभी हम इसमें चावल डालेंगे, पानी उबल गया हमारा। बिस्मिल्लाह हमने चावल डाल दिए, अभी हम इसको मिक्स करते हैं। चावल हमने डाल दिए, अभी हम इसको मिक्स करते हैं और अभी इसके ऊपर ढकना रखते हैं, इसको उबाल आने देते हैं, चावल गल जाए तो 5 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं। हमें 5 मिनट हो गए, पानी खुश्क हो गया, अभी हम इसको दम लगाएंगे, थोड़ा पानी और खुश्क हो जाए। इसका थोड़ा पानी और खुश्क हो फिर हम इसको दम लगाते हैं। अभी इसमें पानी है चावल में, पानी खुश्क हो गया, अभी हम इसको दम लगाते हैं और 15 मिनट के लिए इसको दम लगाएंगे। अभी हमें 15 मिनट हो गए, अभी हम दम खोलते हैं चावलों का। ये हमारे राइस चिकन फ्राइज तैयार है, हमने प्लेट में निकाल लिए। ये हमारे राइस चिकन फ्राइज तैयार हैं, आप भी बनाएं खाएं। हमें दुआ में याद रखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।